नमस्कार, आपका हमारे चैनल ब्राइट स्पॉट पर स्वागत है। पवित्रा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये देखे साटन के ये रिबन लिए हैं, पतले वाले, बिल्कुल पतले वाले हैं ये। सुई धागा चाहिए नापने के लिए, स्केल, कुछ मोती, काले रंग का ये धागा है, ये मोटा वाला धागा चाहिए, और कैंची। सबसे पहले हम देखिए इसको नाप लेंगे, स्केल से हमें नाप करके काटना है। तो हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से ये देखिए, ये देखिए इसके बराबर का हमें इस तरह से डबल करके, और इतने बड़े बड़े पीस हमको काटने हैं। ये देखिए इतने बड़ा इसको करके, ये देखिए इस तरह से अगर नापते हैं तो इसको, ये देखिए इस तरह से हमने इसको ये लिया, ये देखिए इतना बड़ा हमको इस तरह से लपेट के काटना है। इसी तरह से हम सब में काटेंगे, देखिए। और आपको एक साथ काटने हैं बहुत सारे, तो आप इस तरह से लें इसको और इस तरह से घुमा लेंगे इसको, तो ये सब बराबर के कट के तैयार होंगे। और ये माला हम तीन तरह की बना रहे हैं, ये पवित्रा हम बना रहे हैं वो तीन कलर में बनाएंगे। देखिए इस तरह से लिया और इसको यहां से निकाल लेंगे और इसको हम यहां से काट देना है। और ये देखिए हमारे ये बराबर के पीस तैयार हुए। इसी तरह से हम सभी कलर के काट लेंगे, कुछ रेड में काटेंगे, कुछ येलो में काटेंगे। इस तरह से काट के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इतने पीस मैंने काट के तैयार कर लिए हैं। दो धागे हैं, इसमें हमें गांठ लगानी है। एक तरफ हम इसमें गांठ लगाएंगे फिर शुरू करेंगे बनाना। इसको यहां गांठ बांध लेते हैं, देखिए इस तरह से गांठ बांध ली। और ये सुई धागा लिया है, ये देखिए इसमें हम यहां जहां गांठ लगाई थी यहीं पर हम इसमें सुई डालेंगे, यहीं से, ये देखिए। ये देखिए काला धागा लिया, इसमें हमने ये पिरो लिया। अब हमें मोती डालना है, ये देखिए दो मोती डालेंगे हम, ये देखिए ये दो मोती डाल दिए। और इसके बाद हम ग्रीन कलर डालेंगे, तो ग्रीन कलर को पहले एक बार हमने इस तरह से फोल्ड किया, एक बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इसके बाद इसको यहां से बीच से लेंगे और इसमें डालेंगे और इसके ऊपर एक मोती डाल देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा इस तरह से बन गया। अब हमें रेड वाला लेना है, तो रेड वाला हम इस तरह से लेंगे, ये देखिए इस तरह से हमको प्लस की तरह निशान बनाना है इस तरह से, और इसको हमें यहां डालना है। ये देखिए सुई डाली और इसके ऊपर एक मोती डाल लेंगे, ये देखिए मोती डाला। और जो नीचे वाला है, जो नीचे लगा हुआ है, इसको हमें इसके ऊपर से लगाना है। ये एक बार इधर से, फिर एक बार इधर वाला, और फिर ये देखिए ये वाला, और इसको पकड़ते हुए ये वाला, ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर एक मोती लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से हमारा ये तैयार होता जाएगा। ये देखिए अब ये देखिए रेड के बाद हम ये ग्रीन लगाएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर एक मोती, ये देखिए इस तरह से, देखिए लगा। अब हमें लगाना है, रेड लगाया था, अब हम लगाएंगे येलो। तो इसको हमें जैसे हमने रेड वाला बनाया था उसी तरह से इस तरह से लेंगे इसको, उसको नीचे से इस तरह से, और इसमें लगाएंगे एक मोती, ये देखिए एक मोती लगाया। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमें पकड़ के इस पर लगाना है इस तरह से, इसे पकड़ते जाएंगे और इस तरह से करते जाएंगे। ये देखिए देखिए इसको किया, फिर हम इसको करेंगे इस तरह से, इसके बाद हम एक मोती लगा लेंगे। देखिए
इस तरह का हमारा ये बनता चला जाएगा। इसी तरह से अब येलो के बाद हम ग्रीन लेंगे, ग्रीन के बाद फिर रेड लेंगे, इसी तरह से हम बना करके जितनी लंबी हमको बनानी है उतनी लंबी बना करके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारे बन करके तैयार हो गया है। और ये काला धागा जो लिया था अब हमें इसको लास्ट में इसको यहां से इसमें डाल देना है। ये देखिए और यहां पर लगा देंगे गांठ इसमें इस तरह से। ये देखिए हमारा ये पवित्रा बन करके तैयार हो गया है। दोनों तरफ हमने गांठ लगा ली। इसी तरह से देखिए हमने ये एक और बनाया है। दोनों हमारे बन करके तैयार हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया बने हैं। मैंने आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।